नमामि रामं रघुवंशनाथम। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि केजरीवाल का रंग चढ़ने लगा है पंजाब में। जिस बात की आशंका लोगों को थी, जिस बात के लिए लोग कहते थे कि केजरीवाल आतंकी के घर में ठहरते हैं, आतंकवाद का समर्थन करते हैं, आज दिनांक 29 अप्रैल 2022 को हिंदू और सिखों के बीच में तलवारें निकल गईं। शायद केजरीवाल साहब अपने मंजिल को प्राप्त कर लिए, उनका पंजाब में आने का आधार यही था, आतंक। और आतंक के साय में उनको मनचाहा बर मिल गया। पंजाब को जीत लिए, बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीते हैं और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे हैं। हिंदुओं ने जहां खालिस्तान मुर्दाबाद की बात कही, वहीं सरदार निकल करके खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इससे क्या हुआ, पत्थर चली काली माँ मंदिर के पास, जगह कहाँ हुआ, ये पटियाला में सारे कृत्य हुए हैं। पुलिस बात को जानती थी और उसे इस बात को रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी। जब हिंदू संगठनों ने अपने प्रदर्शन की सूचना पुलिस विभाग को दी थी, तो दूसरे लोग क्यों आ गए रोड पे, खालिस्तान जिंदाबाद कह करके, भिंडर वाले जिंदाबाद कह के हिंदुओं पर तलवारें चलाई जाने लगीं। सरकार ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की। सरकार की खेती फल फूल रही थी, उसके डाले हुए बीज अब पौधा बन गए थे, यूँ कहिए कि फसल लहलहा रही थी। एक फसल तो काट चुके हैं वो, दूसरी फसल काटने की उनकी तैयारी जारी है। एक फसल माने दिल्ली में मौलानाओं को वजीफा दे करके बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को शाहीन बाग में, जहांगीरपुरी में बसा करके, जहां केजरीवाल साहब ने एक अद्भुत काम किया है देश के खिलाफ, वहीं पंजाब तक के सफर में उन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए और हिंदुओं के ऊपर तलवारें चली। सूचना तो ऐसी है कि पुलिस वालों पर भी तलवारें भांजी गईं, तलवारें चली। एक SHO के बांह पे तलवार लगी है। ये सारा कुछ हुआ है केजरीवाल साहब के मुख्यमंत्री मान के राज्य में, जब हिंदुओं ने अपने जुलूस निकालने की सूचना स्थानीय प्रबंधन को दिया था और पूर्व सूचित था ये कार्यक्रम, तो उस पर तलवार भांजने के लिए खालिस्तान समर्थकों को क्यों आने दिया गया, ये तो बात पुलिस प्रशासन ही बता सकता है या सरकार बता सकती है। लेकिन केजरीवाल के मनसा जो है पूरी हो गई, वो सच हो गई। धन्यवाद।